साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 212 सेट ए सेकेंडरी कोर्स। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड 12 प्रिंटेड पेजेस। ये क्वेश्चन पेपर 30 क्वेश्चंस हैं इसमें एंड 12 प्रिंटेड पेजेस। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, रेगुलरली NIOS बोर्ड में आते हैं एंड NIOS बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा ट्रीट की जाती है, रिपीट की जाती है। आप अपने आंसर शीट में जब अपना आंसर लिखना शुरू करें, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर ज़रूर करवा लें। जो एग्जामिनर आपके हॉल रूम में मौजूद हैं उनसे सिग्नेचर ज़रूर करवा लें। ये एक ऐसी सब्जेक्ट है NIOS बोर्ड में जो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं, चॉइस करते हैं। ये बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 85 मार्क्स विच इज़ मैक्सिमम। 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में देनी पड़ती है, जो कि बेसिकली आपके AI अलॉटेड इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ पर आप लोगों ने अपना ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क जमा किया है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस के पास मार्क्स दी गई हैं। क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ मैटर द एंटेराटॉमिक फोर्स इज वीकेस्ट एंड अनएबल टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ऑप्शंस आर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। जो सही ऑप्शन है उसे आप सेलेक्ट करें एंड अपने आंसर्स को दें। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑप्शंस वाले हैं, 3 भी कुछ इस तरीके से ऑप्शन वाले हैं, नंबर 4 भी ऑप्शंस हैं, 1 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आंसर्स करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। मार्क्स ऑप्टेन करने की बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इन सारे मार्क्स को जल्द से जल्द सही सिलेक्शन चॉइस करके अपने मार्क्स उठा लें, पिकअप कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑप्शन वाले हैं, MCQ 7 भी ऑप्शंस हैं, 8 में भी ऑप्शंस हैं, 9 में भी ऑप्शंस हैं, 10 में भी ऑप्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि पहले वाले जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। आउट ऑफ 85 मार्क्स 10 मार्क्स आप स्टूडेंट्स के लिए ऑप्टेन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अपने चैप्टर्स को थॉरली पढ़ाई करनी है एंड टॉप 10 क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए आपके पास चैप्टर नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11, 2 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स आपको 2 मार्क्स एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए मिनिमम 25 से लेकर के 35 वर्ड्स के बीच में आंसर्स करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ लेते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए बियॉन्ड 2F बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। आपको डायग्राम बनानी है और नंबर हासिल करने हैं। फाइंड द करंट्स फ्लोइंग इन रेजिस्टर्स इन द सर्किट शोन बिलो, 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ सोनार एंड रडार, व्हाई सोनार इज मोर यूजफुल देन रडार इन वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा रेगुलर है NIOS बोर्ड में, बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली आती है NIOS बोर्ड में। आप इस क्वेश्चन को थॉरली बहुत ही अच्छे से देख लें। डिफाइन नर्व्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स विद एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स प्रेजेंट आर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एटलीस्ट 6 मेटल्स, 2 मार्क्स के लिए अगेन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि 11 से लेकर के 16 तक के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, रेगुलर क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से नंबर्स उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मीन बाय कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, व्हाई डज कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। नंबर 17, 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इसके डिफरेंस बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 18, डिस्क्राइब द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, व्हाई वाज इट डिस्कार्डेड, बी हु प्रपोज द ए रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वर द 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। नंबर 19, व्हाट आर मेटलॉइड्स, वेयर आर दे प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डज अ मेटलिक कैरेक्टर चेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर 1, इसके ऑप्शंस हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पैरिस प्रिपेयर्ड, राइट केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड, नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस, राइट इट्स 3 यूजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स। नंबर 21, ए एंड बी, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांसमिशन ऑफ AC फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट टू लोकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज प्रिफर्ड देन दैट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ DC, नेम एनी 2 प्रोसेसेस विच कैन टेक प्लेस विद DC ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा हॉट फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट में
जा करके इन सारे चैप्टर्स क्वेश्चन के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेकआउट ज़रूर कर लें। हमारी टीम ने आपके लिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर आने वाले क्वेश्चंस को सॉर्टेड करके आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है, एंड जिसके मदद से आपकी पूरी सिलेबस भी रिड्यूस हो चुकी है, पूरे सिलेबस को रिड्यूस कर दी गई है ताकि आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाई ना करना पड़े, कम पढ़ाई करके कम समय में मैक्सिमम नंबर्स आप लोग हासिल कर सकें। नंबर 22, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सोर्सेज एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज: फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। आइडेंटिफाई करनी है इसमें से कौन रिन्यूएबल है, कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नंबर 23, व्हाट इज मीन्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, गिविंग वन एग्जाम्पल इन ईच केस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 24 इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर क्वेश्चन इन NIOS बोर्ड क्लास 10 सेकेंडरी कोर्स। वट इज मीन्ड बाय बैलेंस्ड डाइट? वट आर इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स? रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी द रेगुलर कॉम्पोनेंट्स इन द मील। वाई, क्यों होनी चाहिए? नंबर 25, स्टेट एनी टू टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रहा है, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो। वट इज मीन्ड बाई DNA रेप्लीकेशन? राइट थ्री मेजर स्टेप्स ऑफ DNA रेप्लीकेशन प्रोसेस। चार मार्क्स के लिए ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के वेटेज एंड वैल्यूएशन को भी ज़रूर समझना है। चार मार्क्स के अगर क्वेश्चन हैं, मिनिमम 40 वर्ड्स के ऊपर ही लिखने की कोशिश करें। राइट ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन मोर देन 40-45 वर्ड्स इन ऑर्डर टू गेट द 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द 4 टेक्निक्स विच हैव बीन डेवलप्ड फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स सो एज टू सेव देम फ्रॉम गेटिंग डेटोरियोरेटेड। डिस्कस देम इन ब्रीफ। नंबर 27, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्राई एयर? Which constituents of air are responsible for photosynthesis and breathing? Important question. Write two uses of the constituent which has maximum fractions in air. Question number 22, what is an ionic bond? Explain the formation of sodium chloride by the transfer of electrons. Number B, C, D. Char options hain. Question number 28, carrying more marks than the previous question. That is, this question is carrying 6 marks. Char question ke aapko answer dene hain. Sub question char diye gaye hain, A, B, C, D. Why does electrostatic force of attraction develop between sodium and chloride ions? The melting and boiling points of ionic compounds are high, justify. Ionic compounds are good conductor of electricity in molten state and bad conductor in solid state, why? Reason dijiye, numbers hasil kijiye. Number 29, state Archimedes principle, again for 6 marks, 4 options. What are the two factors on which magnitude of buoyant force acting on a body depends? Does the buoyant force act on a body when it is kept in vacuum? A body weighs 5.0 north in air and 2.5 north when it is immersed in water. Find the buoyant force acting on the body. Last question hai aapke paas screen mein. Draw the schematic diagram of nitrogen cycle and explain the process in brief. Nitrogen cycle ke diagram banaye aur uske process ko briefly explain kare. Students, hamare channel se aap log jud jaye, hamare channel ko zarur subscribe kar lein for all the latest updates in NIOS board. हमारे चैनल के थ्रू आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आफ्टर एग्ज़ाम आपके एग्जामिनेशन रिजल्ट मार्कशीट कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं, बाय पोस्ट आते हैं या फिर AI इंस्टीट्यूट से जा करके कलेक्शन करना पड़ता है। सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम NIOS बोर्ड की तरफ से चेंज होती है और हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट मिल जाती है। अपडेट्स आप लोगों को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज़ आप लोग अपने AI सेंटर से रेगुलरली जुड़ नहीं पाते हैं, वहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रेगुलरली नहीं मिल पाती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर लेने की ज़रूरत पड़ती है देन आप लोगों को अपने घर से ट्रैवल करते हुए अपने AI इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है जो कि अधिकतर ज़्यादा दूर होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे देन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सॉल्व TMA भी बना दिए गए हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है आप स्टूडेंट्स को। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप स्टूडेंट्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और आप लोग अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर सकें एक्सेलेंसी के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल के थ्रू आपको ये भी गाइडेंस मिलती है कि किस तरीके से आपको अपना TMA बनाना है, TMA की पेजेस किस तरीके से बनानी है, फर्स्ट पेज किस तरीके से होती है, एग्जामिनेशन फीस फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स कितनी होती है, फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कितनी होती है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें 3 पार्ट में आप लोगों को अपने तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। एक्टिविटी 3 एक्टिविटी है, जैसे कि एक पहली एक्टिविटी है TMA सबमिट करना अपने AI इंस्टीट्यूट में जाकर दिए गए डेट्स में। वो सारे डेट्स हमारे चैनल से हम लोग आपको बताते हैं।
दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकल फाइल भी कैसे बनानी है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इनविटेशन लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप जुड़ जाएं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करी जाएगी, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स प्रोवाइड की जाएगी, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। सो आप हमारे चैनल से क्यों ना जुड़ें, क्या कारण है। एंड दूसरी चीज़, आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर रेफ़र करें, अपने रिलेटिव्स को भी रेफ़र करें, जो NIOS बोर्ड में एडमिशन लिए हैं, जो NIOS बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी अधिकार है कि घर बैठे आपकी तरह वो भी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू से ले लें। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, किसी तरह की कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, कोई मैराथन क्लासेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हम आपको नहीं अप्रोच करते हैं, कोई प्रीमियम क्लासेस के लिए भी अप्रोच नहीं करते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छी गाइडेंस देना। सो इस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन फीस जो होते हैं वो होते हैं 370 रुपीज़, और आपको TMA जमा करनी होती है, प्रैक्टिकल फाइल जमा करनी होती है, उसके बाद आपकी ये थ्योरी एग्ज़ाम होती है। थ्योरी एग्ज़ाम के डेट शीट कब आते हैं हमारे चैनल के थ्रू आपको पता चल जाती है। सो होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, फ्रूटफुल वीडियो, जिसमें आपके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, कौन से क्वेश्चन नंबर में कितने मार्क्स कैरी होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से होती है, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रही आप लोगों के लिए, ज़रूर एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो NIOS बोर्ड में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय ऑल, थैंक यू।